हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन राठौड़ और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो यार, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टीवीएस अपाचे 165 आरपी के बारे में। इसका टीजर कल ही लॉन्च किया है टीवीएस ने और आज की वीडियो में इसी के बारे में अपन बात करने वाले हैं। कैसा क्या लुक रहेगा इस बाइक का, क्या प्राइस रहेगा इस बाइक का, क्या फीचर्स मिलेंगे इस बाइक के अंदर, सभी पॉइंट के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देख लेना। और चैनल पे आप फर्स्ट टाइम हो, पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हो और आपको ऐसे ही बाइक के वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यार, यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। तो यहाँ पे आपको ब्रांड न्यू इंजन देखने को मिलेगा। अभी आपको जो इंजन देखने को मिलता है 160cc का, उसमें आपको 17.6 bhp की पावर मिल जाती है और 14.7 Nm का टॉर्क मिल जाता है। लेकिन ये जो नया इंजन आने वाला है 165cc का, ये और भी ज़्यादा पावरफुल रहने वाला है और हो सकता है इस इंजन के अंदर आपको 6 गियर भी देखने को मिल जाए। 6 गियर सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बात करें यहाँ पे पावर की, तो यहाँ पे अप्रोक्स जो पावर रहेगी 19-20 bhp रहने वाली है, 19-20 bhp की समथिंग पावर रहेगी। और जो टॉर्क है वो अप्रोक्स 14-16 Nm का रहेगा, मतलब 15-16 Nm के समथिंग इसका टॉर्क रहने वाला है। तो यहाँ पे जो बाइक है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहने वाली है और जो इंजन है बिल्कुल ब्रांड न्यू इंजन है, तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। बात करें यहाँ पे इस बाइक की लुकिंग के बारे में, तो यहाँ पे यार दो रूमर्स निकल के आ रहे हैं। फर्स्ट ये कि जो बाइक है ये फुली नेकर रहने वाली है, जैसे कि यार अपाचे 164 भी आती है, सेम टू सेम लुक आएगा लेकिन थोड़ा सा और ज़्यादा स्पोर्टी होने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरे रूमर्स निकल के आ रहे हैं उसके हिसाब से ये जो बाइक है ये फुली फेयरिंग होने वाली है, जैसे कि R15 आती है, जिक्सर आती है, इस टाइप की फुली फेयरिंग होने वाली है। और इसका जो रीज़न दिया जा रहा है वो ये कि अपाचे 164 भी अपने सेगमेंट के अंदर सबसे पावरफुल बाइक है और सबसे ज़्यादा फीचरफुल बाइक है। तो यहाँ पे अपाचे सबसे बेस्ट बाइक कह सकते हैं अपन 160cc के अंदर, क्योंकि इसमें फीचर काफ़ी अच्छे मिलते हैं, पावर भी अच्छी मिलती है। लेकिन बात करें यहाँ पे फुली फेयरिंग के बारे में, तो यहाँ पे कोई भी बाइक नहीं है टीवीएस के पास। यहाँ पे सिर्फ इनकी एक बाइक है, वो अपाचे RR310 जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। तो यहाँ पर R15 के कंपेरिजन में और जिक्सर SR150 के कंपेरिजन में टीवीएस यहाँ पर अपाचे 165 आरपी को लॉन्च कर सकता है इन फुली फेयरिंग। तो ये भी एक रूमर निकल के आ रहा है, बाकी अभी तक कोई भी कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि जो बाइक है नेकेड आएगी या फिर फुली फेयरिंग आने वाली है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि जो बाइक है फुली फेयरिंग आएगी या फिर नेकेड आएगी, मुझे कमेंट करके बताना। जहाँ तक मेरा कोई आइडिया है भाई, मेरे हिसाब से तो नेकेड वर्जन ही आएगा, बाकी आप क्या लगता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। बात की जाए यहाँ पे फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे कहा जा रहा है इस बाइक के अंदर आपको फुली एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको अपाचे RTR 204B के अंदर देखने को मिलता है। फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इस बाइक के अंदर आपको ड्यूअल चैनल ABS भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो बाइक है यहाँ पे थोड़ी सी पावरफुल होने वाली है, तो यहाँ पे फीचर भी थोड़े से अच्छे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे इस बाइक के अंदर आपको ड्यूअल चैनल ABS भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इस बाइक में मीटर कंसोल वगैरह वो आपको सेम देखने को मिलेंगे जो कि अपाचे 164B के अंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन जैसे फीचर भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इस बाइक में आपको राइडिंग मोड भी देखने को मिल जाएंगे जो कि अपाचे में पहले से आते आ रहे हैं। तो यहाँ पर फीचर इस बाइक के अंदर काफ़ी ज़्यादा एडवांस होने वाले हैं। एंड में बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइस के बारे में। तो यार, अभी जो अपाचे 164B आ रही है उसकी अप्रोक्स जो ऑन रोड प्राइस है वो है 1,45,000 रुपये। और ये जो बाइक लॉन्च होने वाली है अपाचे 165, इसकी जो प्राइस रहेगी अप्रोक्स 10,000 रुपये के समथिंग ज़्यादा रहने वाली है अभी करंट मॉडल से। तो अब मान के चलो 1,55,000 से लेके 1,60,000 आपको ऑन रोड ये बाइक देखने को मिल जाएगी। और आपको क्या लगता है अगर इतने प्राइस में ये बाइक लॉन्च होती है तो क्या वैल्यू फॉर मनी रहेगी या फिर नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यार, यही था एक छोटा सा वीडियो टीवीएस अपाचे 165 आरपी के बारे में। और हाँ यार, एंड में एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो आरपी का मतलब है वो है रेस परफॉर्मेंस। काफ़ी सारे भाई लोग कमेंट में पूछेंगे इसलिए पहले ही बता देता हूँ, आरपी का मतलब है रेस परफॉर्मेंस। तो ये जो बाइक है यार परफॉर्मेंस के हिसाब से काफ़ी शानदार होने वाली है और काफ़ी सारे रेस आप इससे कर सकते हैं। तो यार, ये था एक छोटा सा वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना भाई, और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलते रहें। बाकी इस बाइक को लेके कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो आप इस बाइक के बारे में मेरे से, तो कमेंट में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हो। फिलहाल आज की वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।